सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली के खिलाफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल की, ये तो आप जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ये सारे चार्जेस प्रूव हो जाते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा? कितने साल रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली को जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी? सबसे पहले तो मैं आपको एक ये बात बता दूं कि कितने लोग मेरे कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि क्यों रिया चक्रवर्ती पे मर्डर का चार्ज नहीं लगाया गया सुशांत सिंह को लेकर। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो FIR फैमिली ने भी दर्ज की थी उसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ही लिखा गया था, और इस FIR में जो CBI ने फाइल की है उसमें भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का ही सबसे बड़ा चार्ज है। और दूसरी बात यह कि रिया चक्रवर्ती के पास एक बहुत ही सॉलिड एलिबाई है कि उस दिन जब 14 जून को जब सुशांत सिंह की मौत हुई तब वो उनकी रेजिडेंस पे मौजूद नहीं थी। शी वॉज डेफिनेटली नॉट देयर, सो शी कैनॉट बी अक्यूज्ड ऑफ बीइंग एट द प्लेस ऑफ क्राइम एट दैट टाइम, बिकॉज क्लियरली शी वाजंट देयर। लेकिन जो 7 चार्जेस लगे हैं रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली और बाकी 2 एकम्प्लिसेस पर, वो काफी बड़े चार्जेस हैं, और इन 7 में से 4 चार्जेस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। इन सारे चार्जेस को अगर एक साथ मिलाया जाए तो मैक्सिमम प्रिजन टर्म अराउंड 40 इयर्स तक का आता है रिया चक्रवर्ती के लिए। लेकिन ऑफकोर्स ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस तो हैं ही इसमें, लेकिन बेलेबल ऑफेंसेस भी हैं। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो नॉन कंपाउंडेबल है, इसका मतलब ये कि अगर कंप्लेनेंट जो है इस केस में जो है सुशांत सिंह के पापा, अगर वो भी अगर अपनी कंप्लेन वापस ले भी लेते तो भी ये चार्ज सीज टू एग्जिस्ट नहीं होगा, ये चार्ज फिर भी रहेगा और ये प्रोसीडिंग्स फिर भी चलेंगी। इसके अलावा जो बाकी नॉन बेलेबल चार्जेस हैं इस FIR में वो है 406 जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जिसमें 3 साल की सजा है, 420C का जो चीटिंग का मामला है जिसमें 7 साल की सजा है वो भी नॉन बेलेबल है। इस केस में जो बाकी नॉन बेलेबल चार्जेस हैं वो है IPC 406 में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जिसमें 3 साल की सजा है मैक्सिमम, 420 वाला जो चीटिंग वाला मामला है जिसमें 7 साल की सजा है वो भी नॉन बेलेबल है, और जो बाकी है वो है 380 IPC का जो भी नॉन बेलेबल है, वो थेफ्ट वाला चार्ज है उसमें 7 साल की सजा है मैक्सिमम। वेल, ये तो हुई बात सीबीआई ने फाइल किए FIR के नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ा नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जो केस फाइल किया है मनी लॉन्ड्रिंग का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का, उसका भी जो चार्ज है वो भी नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि पुलिस इसमें बिना अरेस्ट वारंट के भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। और ये जो केस और ये जो चार्ज है इसमें 3 से 7 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, यानी कि कैद बामो शक्कर, अगर बॉलीवुड टर्म्स में कहूं तो चक्की पीसने वाला इम्प्रिजनमेंट। वेल, ये तो हुई चार्जेस की बात। अब इस FIR में जितने भी लोग नेम्ड है, रिया चक्रवर्ती की पूरी फैमिली वो तो आपने देख ही ली है, लेकिन श्रुति मोदी का चेहरा अभी तक काफी लोगों ने देखा नहीं है। कुछ फोटोग्राफ श्रुति मोदी के इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहे हैं वो ये है, और इसकी पुष्टि अब तक तो नहीं हो पाई है, लेकिन जब मैंने उनका इंस्टाग्राम अकाउंट जाकर देखा तो ये फोटोज जो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहे हैं और जो इंस्टाग्राम अकाउंट जो दिख रहा है श्रुति मोदी का, जिसको सुशांत सिंह राजपूत भी फॉलो करते हैं, आप देख सकते हो ये दोनों फोटोग्राफ सेम है, तो इससे ये तथ्य लगाया जा सकता है कि ये दोनों एक ही इंसान है। सो वेल, ऑल आईज आर नाउ ऑन CBI, कैसे वो ये सारे चार्जेस प्रूव करते हैं अगेंस्ट ऑल दी अक्यूज्ड, और कैसे रिया चक्रवर्ती की लीगल टीम उनको डिफेंड करती है। जो भी अपडेट्स होंगे मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपके जो भी कॉमेंट्स ऑफ कोर्स प्लीज मोस्ट वेलकम, मैं ट्राई करता हूँ जितने भी रिप्लाई दे सकूँ, एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट।